आज की शाम हम लोग जो है SPA बैडमिंटन ग्राउंड में शाम गुजार रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और हमारे साथ हैं रामचरण इजदा भैया। इजदा भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे हम ठीक हैं। त्योहार बार कैसे मनाए भैया? त्योहार मेरा क्या मनाएंगे भैया, यहाँ तो प्रोडक्शन के नाम से छुट्टी नहीं मिला। ले देखे माता का त्यौहार एक ही दिन बड़ा मुश्किल से मनाने का मिला। इज्जत भैया जो है बहुत सफल पेरेंट हैं, इनके एक गुड़िया जाम में लग गई है CSEB में और एक बच्चा पढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं भैया? MD कर रहे हैं। हाँ, MD पीडियाट्रिक्स में बम्बई पैरल में। भिलाई SEB एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और हमारे इज्जत भैया ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने पेरेंट बच्चों को सही गार्डनिंग करके इस मुकाम पे पहुंचाया है। और इज्जत भैया और कुछ बताइए जो है। हाँ, इसमें तो मेरा बहुत बड़ा हाथ नहीं है, इसमें मेरे पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी जी, 10वीं तक बहुत अच्छा उसका बेसिक नॉलेज को बढ़ाया है जी, और बच्चे लोग को हमेशा प्रेरित करते रहे। जी जी जी, और मैं अपने अतीत के जो संघर्ष है उसके बारे में बच्चों को मैं समझा दिया था। जी जी, सफल हुए जी, और उसका अनुसरण करते हैं बच्चे ने हमारा पूरा योग आप सहयोग करते हुए बहुत मेहनत किए और अपने मुकाम पर पहुंचे। नए पीढ़ी में जो बच्चे लोग जो शादीवादी कर रहे हैं और नया पेरेंटिंग का अनुभव, उनके बारे में आप उनको कुछ गाइडलाइन देना पाएंगे, दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि बच्चों का पेरेंटिंग कैसे करें, उनको एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं? नहीं, उसमें क्या है, बच्चे लोग को हमेशा प्रेरित करना है, उसको हमेशा ऐसे हाई लेवल का एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे लोग के बारे में ये बताना चाहूँगा कि बच्चे को हमेशा उसके अवकाश से ज्यादा फैसिलिटी नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया, और ये बहुत बड़े मुख्य मुद्दा है। और मतलब जैसे हमारा अवकाश नहीं है और बच्चे डिमांड करे तो उसका तो हम कुछ कंट्रोल होना चाहिए। आवश्यकता है तो उसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कई बच्चे ऐसे हैं जैसे कोई जैसे 11वीं 12वीं अच्छा पढ़ रहे हैं तो उसमें मोटरसाइकिल है हाई लेवल का, तो देने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हमेशा जिससे काम निकल जाए उतने ही सुविधा उससे, हाँ जिससे काम निकल जाए उससे उपयोग करना चाहिए। अरे कई बच्चे लोग ऐसे हैं कि कॉलेज चले गए 11वीं 12वीं में कार का, अरे जब उसका औकात ही नहीं है तो अपने पैर पे खड़े हो जाए तो चला भी। हाँ भैया, इस भैया क्या भाभी जी भी जाप पे हैं? नहीं है, मैथ्स हाउस वाइफ है। अच्छा, इस भैया आपका जो पुराना घर कहाँ पे? हमारा गांव है लाटाबोर पोंडी बालोद जिला में पड़ता है। अच्छा अच्छा, और हम हायर सेकेंडरी ओल्ड मैट्रिक कुसुम कसा राजरा के पास से पढ़े हुए जी जी, और हम BSc ज्वाइन किया था, उसके बाद हम यहाँ GOT में 1986 में ज्वाइन किए हैं। खेती खार भी था भैया? हाँ, खेती वेती हम हर महीने घर जाते हैं जी, हमारा वहाँ पैतृक संपत्ति है, घर द्वार सब है जी, हम जाते रहते हैं। और कुछ कर्मचारी की समस्या के बारे में कुछ कहेंगे भैया? कर्मचारी की समस्या क्या भैया, यहाँ तो हम लोग पूरा मैन पावर की ऐसे जूझ रहे हैं, जब चाहो तब छुट्टी नहीं मार सकते, PRW के साथ काम करना पड़ रहा है, और आने वाले 24-25 में तो बहुत सारे रिटायरमेंट मैन पावर कम हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है, ठेकेदारी के भरोसे ही चलेगा ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, और ये अकुशल मजदूरों से काम कराना एक बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है, और सुरक्षा के प्रति लापरवाही भी कह सकते हैं, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिए, है ना। हम तो प्रबंधन से यही मांग करेंगे कि वही ट्रेनिंग काम में लगाने के पहले कम से कम उनको प्रॉपर सुरक्षा के बारे में और तकनीकी शिक्षा प्राप्त, यदि PRW ले तो और अच्छा है। प्रबंधन को ये शिक्षा आप अपने स्तर पर दीजिएगा भैया, हम लोग भी देंगे, है ना। और इस दा भैया और कुछ कहना चाहेंगे त्योहार में शुभकामनाएं वगैरह जो है नया साल नया साल का तो
शुभकामनाएं। तो त्योहार निकल गया लेकिन जेठौनी के उपलक्ष्य में चुनाव ना का माहौल भैया जी? क्या चुनाव के माहौल भैया, जो अच्छा किया है जीत मिलेगा जी, है ना? कोई भी राजा कोई भी हो हमें क्या हानि, बोलते ना कोई नृप हो हमें क्या हानि, है नहीं? चेरी कभी न कहावे रानी मंथरा जी बोलती है ना रामायण में, है ना? राजा कोई भी रहे, विधायक कोई भी रहे, हम लोग कुछ मजदूर रहे नहीं है, है ना? धन्यवाद इज्दा जी, आपने इतना अपना मूल्य समय निकाला और आज की शाम को खुश नसीब खुशगवार बनाया और हमारे साथ जो है अपना ज्ञान दिया, और इसके लिए हम आपके इस अनमोल विचार का और जो आपने प्रेरणादायी जो व्यक्तित्व दिया उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। राम राम, राम भगवान भोलेनाथ आपका जो है और बूढ़ा देव आपके परिवार को संपन्न स्वस्थ और समृद्धशाली बनाए रखे। और इसी के साथ अपना हम ये वार्ता समाप्त करते हैं। ये खेलते हुए बच्चों को देख के आनंद दीजिए, है ना? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।